हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइल राइज। आई एम सलोनी। और गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जयप्रदा जी इंस्पायर्ड लुक। यस गाइस, अगर आप भी जयप्रदा जी के फैन हैं तो आप मेरे इन स्टेप को फॉलो करके ये लुक अचीव कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। ये एले गर्ल का कंसीलर है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। और अब मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। ये डार्क ग्रीन का आई शेडो मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं एक एंगल शेडो ब्रश से एक शिमरी कलर पिक कर रही हूँ एंड इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। और अब मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लैक कलर पिक करके अपने आउटर वी में इसको अप्लाई करूंगी स्मोकी लुक क्रिएट करने के लिए बिल्कुल लाइटली। अगेन एंगल शेडो ब्रश से मैं एक ब्राउन शिमरी कलर अपनी ब्राउ बोन पर अप्लाई कर रही हूँ एज यू कैन सी। अब एक लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि मेरे शेडो की कलर इनहेंस हो। और अब आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ हिलेरी रोड का आईब्रो इनहेंसर। ये ब्राउन कलर मैं पिक कर रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर आज मैं पिक कर रही हूँ। और अब मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये लैक्मे का 9 to 5 वाटरप्रूफ आईलाइनर है। और अब मैं ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ। मैं करेक्टर की जगह ये अपने लिपस्टिक को यूज कर रही हूँ। आप भी कर सकती हैं अगर आपके पास ऑरेंज कलर में लिपस्टिक है। अब मैं फाउंडेशन और रोज वाटर को मिक्स करके आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ। आप देखना, इसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैंने इस फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया था और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरी फेस पे फाउंडेशन इक्वली लगे। और अब मैं रेवोल्यूशन की कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ।
अपने शेड के अकॉर्डिंग। और अब मैं एक स्पंज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये लिक्विड ही है तो इसलिए मैं स्पंज का यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसको सेट करने के लिए लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का ब्लश ऑन, कुछ पीची शेड में आँच में अप्लाई करने वाली हूँ। अब बारी आती है लिप शेड की, तो गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ हैफ एन आवर की रेड चेरी लिपस्टिक। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक लगी है मेरे को ये लगाने के बाद। और अब मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। और अब यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। तो अब मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ एक कलर से। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर सॉन्ग का हाइलाइटर और इसमें मैंने लाइट शेड पिक किया है। ये कुछ वाइट शिमरी कलर है, बहुत प्रिटी कलर था ये। सो या गाइस, फाइनली जयप्रदा जी इंस्पायर लुक हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने दुपट्टे को वेयर किया हुआ है, मैंने भी सेम उसी तरीके से दुपट्टे को वेयर किया हुआ है। और होपफुली मेरे इयररिंग भी उनके इयररिंग से मैच हो गए थे, आई मेकअप भी हमारा सिमिलर ही है और लिप शेड भी मुझे इस तरीके का मिल गया था। तो या गाइस, आपको आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये लुक भी पसंद आया होगा। और अगर आप नहीं जानते, जयप्रदा जी एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं और पॉलिटिशियन भी है। शी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड स्टनिंग एक्ट्रेस इन बोथ तेलुगु एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये लुक भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप इस लुक को एंजॉय कीजिए।